हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 मंथ में आप एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। तो विद इन 1 मंथ क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको मिनिमम 12 to 13 आवर्स पर डे रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप थ्योरी का भी पढ़ भी चुके होंगे अब तक, और नहीं पढ़ी है तो मेरे वीडियोस देखिए, उनमें मैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैंने उनमें समझाए हुए हैं। तो इनको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देख के आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। मैंने बुक्स के नाम पहले ही बताए हुए थे और अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि जो गलगोटिया पब्लिकेशन की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक, और जो दूसरी है वो है अपनी आर के राजपूत। और अगर आपको ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के नोट्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहे हैं तो जिस भी जो भी नोट्स आपको जो भी बुक्स आपके पास है आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि हर बुक में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, पिछले क्वेश्चन उठाइए, गेट लेवल के भी जो थ्योरेटिकल हैं उनको कीजिए आप। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे इसमें, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किसी भी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। IAS के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, गेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, JTO या जो भी आपको मिल जाए उनको आप सॉल्व कीजिए। तो टेक्निकल में तो आप देखेंगे कि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसमें थ्योरी आप काफ़ी देख चुके होंगे इसलिए आपको थोड़ा ईजी भी लगेगा अब उसमें। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इन सब की बुक्स के, उसमें ब्रिलियंट ट्यूटोरियल भी मैं कवर करूँगा। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल अपने आर के राजपूत और गलगोटिया पब्लिकेशन, तीनों के जो क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व करवाऊँगा। और उसमें आप इसमें देख देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आगे के लिए मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, बाकी तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। जो ऊपर वाला है वो भी ये देखता है कि कौन लोग कितना मन से मेहनत कर रहे हैं, वो भी इसी अकॉर्डिंग वो सब की हेल्प करता है। इसलिए दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।